अपने सी एस सी पोर्टल में फ्रेंड्स आपको पैसा ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि भारत सरकार का मतलब कि रजिस्टर्ड मतलब कि सी एस सी का जो ऑफिशियल है वो एप्लीकेशन उसे आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे यहाँ पे आप सर्च करना है आपको डिजिटल सेवा यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे डिजिटल सेवा आप सर्च करते हैं तो आपके सामने है डिजिटल सेवा का ये जो देख सकते हैं सी एस सी गवर्नमेंट सर्विसेज, ये सरकार का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। इसे आप सी एस सी कॉमन सर्विस सेंटर जो है उसका एप्लीकेशन ये ऑफिशियल है तो इसको आप ओपन कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद। तो सिंपल से इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल कर रखा हूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ओपन कर ले रहा हूँ। जैसे फ्रेंड्स इसे आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे सी एस सी का जो यूजर आईडी पासवर्ड होता है वो यहाँ पे आपको डालने के लिए बोला जाएगा। तो यूजर आईडी और पासवर्ड से यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लॉगिन वाला ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे लॉगिन वाला ऑप्शन पे फ्रेंड्स हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको सी एस सी का यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डाल देना है यानी कि सी एस सी आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है। सी एस सी आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है और जो पासवर्ड आपका सी एस सी का वो डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद ये वाला जो कैप्चर आप फ्रेंड्स देख रहे हैं इस वाला कैप्चर को आपको सिंपल से यहाँ पे डाल देना है। कैप्चर डालने के बाद सब कुछ आप सही से फिलअप कर ले रहे हैं तो उसके बाद आपको साइन इन वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इस सिंपल इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं सब कुछ मैं पहले फिलअप कर रहा हूँ, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल ले रहा हूँ, फिर उसके बाद कैप्चर डाल करके मैं साइन इन करके बता दे रहा हूँ आपको। मैंने अपना यहाँ पे सी एस सी आईडी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लिया है, कैप्चर डाली है और सिंपल से मैं साइन इन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। साइन इन वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा डैशबोर्ड कुछ इस तरह का आ गया है यानी कि सक्सेसफुली मेरा जो सी सी आई डी है यहाँ पे लॉगिन हो चुका है मेरा इस एप्लीकेशन के माध्यम से। तो यहाँ पे सेफ और सिक्योर है ये एप्लीकेशन, इसी को आप डाउनलोड कीजिएगा। दूसरे एप्लीकेशन से आप बच के रहिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है दूसरा एप्लीकेशन में। तो ये वाला ऑफिशियल एप्लीकेशन है, इसे इंस्टॉल करके ओपन करके लॉगिन हो जाइएगा। और पैसा ऐड करने के लिए सी सी वॉलेट में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं थ्री लाइन से दिया हुआ है, सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन नंबर पे एक वॉलेट का ऑप्शन है, यहाँ वॉलेट वाला पे क्लिक कर देना है। वॉलेट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है नीचे बीच में ऐड मनी, तो सिंपल से यहाँ ऐड मनी वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ऐड मनी पे क्लिक करते ही आपके सामने जो है कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं ऐड मनी टू वॉलेट लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ एक न्यू इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको पैसा डालना होगा कि कितना आपको ऐड करना है, पैसा को कितना आप पैसा ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना पैसा ऐड कर देना है, जितना भी आपको यहाँ पे डालना है आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं सिंपल सी यहाँ पे 150 रुपये यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पे यू मनी, इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स में कुछ भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे कोई भी एक नाम डाल दे रहा हूँ, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ डाला गया है और यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन जो दिया है सिंपल से यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने देख सकते हैं कि कुछ न्यू डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कार्ड के माध्यम से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो आप अगर नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं यहाँ पे मतलब कि पेमेंट तो यहाँ पे दो नंबर पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे तीन नंबर में चाहे तो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तीन नंबर वाला ऑप्शन ही चूज़ कर रहा हूँ यूपीआई, और उसके बाद यहाँ पे जो भी यूपीआई से आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। गूगल पे, फ़ोनपे, भीम यूपीआई, पेटीएम, अमेजन पे, जो भी हो। यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं फ़ोनपे का यहाँ पे इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, दो नंबर में जो दिया हुआ है इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आपको आपको जो भी है यहाँ पे यूपीआई आईडी वो यूपीआई यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं अपना यूपीआई यहाँ पे डाल दे रहा हूँ पहले। तो सिंपल से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना यू पी आई डाल देना है। यू पी आई डालने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे यहाँ ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको एक नंबर वाला ऊपर वाला ही चूज करना है, @YBL जो लिखा हुआ है सिंपल से इसी को आपको चूज करना है। इस पर इसको चूज करने के बाद आपको यहाँ पे एक वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ वेरीफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा किसके नाम से ये यू पी आई डी है। सक्सेसफुली मेरा यहाँ पे नाम आ गया है सुजीत कुमार, मेरा नाम से यू पी आई डी है यहाँ पे आ गया है। सिंपल से आप प्रोसीड वाला ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ से आपको रीडायरेक्ट कर देगा, आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन चला जाएगा फ़ोनपे एप्लीकेशन में। तो यहाँ से इसको आपको कट करके हटा देना है और आपको सिंपल से यहाँ पे अपना फ़ोनपे ओपन कर लेना है, ठीक है। फ़ोनपे आपको ओपन कर लेना है, फ़ोनपे के अंदर आपका डायरेक्ट ये ऊपर ही शो हो जाएगा, हाईलाइट होता होगा, उसको आपको वहाँ से पे कर देना है। यहाँ पर मैं अपना लॉगिन होकर जा रहा हूँ। लॉगिन होने के बाद देख सकते हैं कि हमारे सामने भी शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं नोटिफिकेशन के ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट बाई यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे शो हो गया है। अगर यहाँ पे आपको नहीं दे रहा है आपको तो यहाँ पे कहीं भी आप वहाँ नोटिफिकेशन में जाकर के देख सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ पे वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे वाला ऑप्शन में क्लिक कर दे रहा हूँ। पे वाला ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ से आपको देख सकते हैं सेंड मनी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है।
इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे यूजर आईडी का यूपीआई का पिन जो है उसको यूपीआई पिन डालना पड़ेगा यहाँ पे, उसका सक्सेसफुल आपका पेमेंट जो है हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेट पे क्लिक कर दिया है, हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, पिन डालना पड़ेगा हमको यहाँ पे। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे अपना यूपीआई का जो मेरा पिन है वो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, सिंपल से मैं ओके कर दे रहा हूँ। ओके करते ही यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ओके कर दिया है, यहाँ पे कनेक्टिंग सिक्योरली यहाँ पे देख सकते हैं लिख रहा है, और यहाँ पे सक्सेसफुल मेरा यहाँ पे हो चुका है यहाँ से, यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट। और यहाँ पे मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ उस पेज पे जा करके कि मेरा क्या बता रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से मैंने यहाँ पे डिजिटल सेवा का एप्लीकेशन जो है उसे उसमें आ गया हूँ। उसमें आने के बाद देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे लॉग आउट हो गया है, तो मैं डैशबोर्ड में जा करके यहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ। मैंने डैशबोर्ड पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे फिर से मैं डिजिटल सेवा के अंदर का एप्लीकेशन जो है उसके अंदर मैं आ गया हूँ। फिर से मैं थ्री लाइन्स पर क्लिक कर दे रहा हूँ। थ्री लाइन्स पर क्लिक के बाद फिर से मैं वॉलेट पर क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर का जो दिया है सुमरी, इस पर क्लिक करने के बाद आपका जितना भी वॉलेट में पैसा रहेगा यहाँ पे शो हो जाएगा।